वेलकम टू प्रोफाउंड एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे अपने उन्हीं एग्जाम्पल से। सो एक्सरसाइज 23 हमने जो एक्सरसाइज का 23 क्वेश्चन था वो हमने देखा, एंड ये 24th क्वेश्चन है जिसमें दो पार्ट्स है। उसमें हम देखते हैं क्या बोल रहा है ये। राइट डाउन सुटेबल मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग सिम्बॉलिक प्रपोजिशंस। फॉलोइंग सिम्बॉलिक प्रपोजिशन, जो नीचे दिए गए प्रपोजिशन है, सिम्बॉलिक प्रपोजिशन है, इनकी हेल्प से इन्हीं का यूज करके आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स, जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स होती है, उनको आपने रिप्रेजेंट करना है इनकी हेल्प से। ऑल्सो राइट डाउन देयर नेगेशंस एंड व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ योर प्रपोजिशन। आपको ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करनी है और साथ ही नेगेशन भी फाइंड आउट करना है। तो अगर आप यहां देखोगे तो ये बोल रहा है, तो एक एक्स वेरिएबल है, एक वाई वेरिएबल है और एक प्रपोजिशन है। इनसे एक मैथमेटिकल प्रपोजिशन हमने बनाई, जैसे वही हम देख रहे थे अभी तक, एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ये एक मैथमेटिकल प्रपोजिशन है। आप इसको भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि पहले वाले एग्जाम्पल में सीधा सीधा वो यूज हो जाएगी, क्योंकि अगर आप याद करेंगे तो जो हमने लास्ट एग्जाम्पल देखा, मैं दिखा देती हूं, जो हमने लास्ट एग्जाम्पल देखा है अभी, ये जो हमने लास्ट एग्जाम्पल देखा है, फर्स्ट वाला सेकंड पॉइंट, इसमें हमारे पास इसका यूज हो रहा है एक्स का, ये अपना यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है और साथ में एक प्रपोजिशन है। तो आप सेम इस मैथमेटिकल प्रपोजिशन, ये मैथमेटिकल ये प्रपोजिशन है एक, जिसको हमने मैथमेटिकल प्रपोजिशन को लॉजिकली क्वांटिफायर में रिप्रेजेंट किया है, तो इसका यूज कर सकते हैं और ये बना सकते हैं। तो पहले वाले का आंसर ये हो सकता है सॉल्यूशन में, मैं दिखा देती हूं। एक तो सॉल्यूशन वन का फर्स्ट पार्ट तो यही हो सकता है, आप इसमें ये वाला भी कंसिडर कर सकते हो जो हमने लास्ट में किया, मैं यहां पर लिख देती हूँ। आपको सिर्फ इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, कुछ नहीं करना है हमें यहाँ पे। सॉरी, ये पूरा इस तरीके से है, बिलोंग्स टू आर, एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। साथ ही ये तो हो गया मेरा फर्स्ट। इसी की तरीके से हम एक और बना सकते हैं, पहला एक्स जो बिलोंग करता है ना, वो करता है नेचुरल नंबर्स को, ठीक है, नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही जो मेरा जेड है, सॉरी जो मेरा वाई है, वो बिलोंग करता है इंटीजर्स को। इंटीजर्स में पता है क्या होते हैं, नहीं पता तो मैं भी इसके बाद बताती हूँ। एंड देन हम कह रहे हैं कि एक्स डिवाइडेड बाय वाई करके, एक्स डिवाइड बाय वाई करके मुझे एक प्रपोजिशन बनेगी जिसको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। अब देख लेते हैं इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को, ये क्या है। हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं, वन से स्टार्ट होते हैं, टू थ्री एंड इनफाइनाइट टाइम्स तक चल जाएंगे ये। साथ में मेरे पास जो जेड है वो इंडिकेट करता है इंटीजर्स को, जीरो से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव वन की राइट हैंड साइड वाली सीरीज होती है, नेगेटिव से सीरीज स्टार्ट होती है अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे, ये कंटिन्यू चलेगी। तो ये मेरे इंटीजर्स, इंटीजर्स और ये नेचुरल नंबर्स, अगर आप इसमें वन बाय माइनस टू करेंगे तो मेरे पास माइनस वन बाय टू ही आएगा, विच इज अ रैशनल नंबर। इसको आप वन बाय माइनस टू से लिख लीजिए, मतलब मैंने इसको ऐसे कर लिया, कॉमनली मैंने माइनस वन बाय टू कर लिया, तो बात एक ही है। ऐसा नहीं है कि हमें इसको हम रैशनल नंबर नहीं कहेंगे, ये भी एक रैशनल नंबर है, वन बाय माइनस टू। ये फॉर्म मेरी पी बाय क्यू की फॉर्म है, इसलिए हम इसको रैशनल नंबर कह रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरी सेकेंड स्टेटमेंट हो गई जो हमने इससे बनाई। साथ में ये कह रहा है कि राइट डाउन देयर नेगेशंस, हमें नेगेशन भी बनानी है। इसकी नेगेशन बनाना इजी है, वही सेम चीज, इसको हम कन्वर्स कर देंगे, इसका हम इसमें एग्जिस्टेंशियल लगाएंगे एंड देन फिर इसको यूनिवर्सल बनाएंगे, एंड साथ ही
एक्स बाय वाई डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू, ये हो जाएगा। साथ ही आप नेगेशन बना लेंगे अपने आप। मैं ये बता देती हूँ कि इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी। हमारे पास क्या आया, -1/2 आया। अब मैं यहां पर 2/2 रखूंगी, 3/4 रखूंगी, 3/0 रखूंगी, तो सारे मेरे क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे। 3/1 रखूंगी, ठीक है, तो वो सारे मेरे बिलोंग करते हैं रैशनल नंबर्स को। तो हम कह सकते हैं जो मेरी ये स्टेटमेंट है, जो मैंने मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनाई, इज अ ट्रूथ स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट ये भी मेरे पास, अगर आप इसको भी देखेंगे तो ये रियल नंबर्स को बिलोंग करता है। इसका फाइंड आउट कीजिए, मुझे बताइए कि क्या ट्रुथ वैल्यू आएगी इसकी, सारे रियल नंबर्स के लिए और एक रियल नंबर के लिए। सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन देख लेते हैं अपना। फर्स्ट पार्ट से हमें आइडिया लग गया कि कैसे हम सेकेंड को भी मैथमेटिकली स्टेटमेंट को ऐसे बना सकते हैं, तीनों क्वांटिफायर्स का इस तरीके जो हमें गिवन है इसका यूज करके। इसके लिए मैं सेम ऊपर से ही रेफरेंस ले रही हूँ। जैसे अगर आप मान लीजिए कि एक मेरे पास, सॉरी, ये वाला पहला वाला जो है वो एग्जिस्टेंशियल है। देर इज सम एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। आई एम टेकिंग दिस एग्जाम्पल एंड मैंने ये ऊपर से रेफर किया, सेम आ गया, तो इसकी तरह ही बना लेते हैं। एंड देर इज अनदर वाई, लेट से इट बिलोंग्स टू देर इज एन वाई विच बिलोंग्स टू अ, हम यहाँ पर तो जेड भी ले सकते हैं। मैस्मर, मैं इसको जेड ले वाई ले लेती हूँ, आई मीन सॉरी जेड ले लेती हूँ, कि ये भी मेरा जेड हो गया। जेड को मैंने आपको बताया था कि यह इंटीजर्स है, ठीक है। एंड अब इसके बाद ये दोनों हो गया मेरे पास, साथ ही मेरे पास एक जेड वेरिएबल है जो सारे होंगे, फॉर ऑल जेड, फॉर इज जेड विच बिलोंग्स टू, मैं यहां पर मान रही हूं कि वो एक इवन नंबर होगा, तो मैंने उसको पॉजिटिव ई से नोट किया, ठीक है। बिलोंग्स टू, एग्जैक्ट बिलोंग करता है इवन नंबर्स। एंड साथ ही जो मेरी प्रपोजिशन होगी वो ये होगी, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, सॉरी ब्रैकेट में यहां हटा रही हूं, वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेट। ये मेरा क्या होगा, ये इक्वेशन मेरी पूरी क्यू होगी, तो हमें इसको ट्रू करने के लिए हम कह रहे हैं ये बिलोंग करती है मेरी रैशनल नंबर्स को ही। तो अगर आप इसको अब देखोगे कि एन मेरा क्या है, एक एक्स की वैल्यू मेरी हो सकती है, यहां पर हम इसमें पुट कर रहे हैं एक्स की वैल्यू मेरी, मान लीजिए मैं लेट कर रही हूं नेचुरल नंबर्स में से 2 ले लिया मैंने, 2 प्लस मैंने लिया इसको माइनस का 2, इसका स्क्वायर होगा वाई, वाई विच इज अ इट्स अ इंटीजर, इंटीजर वैल्यू मैंने ले ली -2, उसका स्क्वायर हो जाएगा। साथ ही डिवाइड करेंगे जेड से, जेड कोई भी इवन नंबर हो सकता है, मैं मान रही हूं कि वो एक 4 है। मेरे पास सॉल्व करके ये कितना आएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस -2, 2 टाइम्स इनटू होगा तो मेरा वो 4 हो जाएगा, नेगेटिव का साइन हट जाएगा क्योंकि दो दो माइनस के साइन है, दोनों माइनस माइनस कैंसिल होके पॉजिटिव हो रहेगा, ये 4 मेरा कितना आएगा यहाँ पे, 6 एंड 4, 6 एंड 4 डिवाइड कर लेंगे, मेरे पास कितना आएगा, 2 3 6, 2 2 4, 3/2, जो कि एक मेरी क्या है,
रैशनल नंबर है। तो इस केस में जो 3/2 आया मेरा एक रैशनल नंबर आया। तो जब भी हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे मेरे पास रैशनल नंबर ही आएगा। तो ये भी एक, ये वाला पार्ट भी मेरा एक ट्रू स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि हमें ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए हम इसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर करके देख रहे हैं। अब इसके अलावा मैं यहां पर एक और चीज, एक और एग्जाम्पल अगर ले लूं इसी के लिए क्विकली, एक बार और देख लेते हैं। ये तो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया हमें कि ये इक्वेशन हो सकती है एक, ये वाली। दूसरी हम ले लेते हैं कि इसमें ये हो गया मेरा इक्वेशन बना रही हूं मैं सिर्फ, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इज ग्रेटर देन जेड, ठीक है। तो यहां पर अगर आप मानेंगे ये मेरी प्रपोजिशन फंक्शन हो गई, थोड़ा इस बारी मैंने थोड़ा सा ज्यादा ही इसको ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ही गंदा लग रहा है ये दिखने में, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में भी कवर कर सकते हैं, लेकिन ठीक है क्विकली देख लेते हैं। सर x प्लस वाई स्क्वायर हो गया एंड मैंने ग्रेटर देन z किया है, तो मेरा x बिलोंग करता है इसको एंड मेरा y बिलोंग करता है इसको एंड z बिलोंग करता है मेरा कोई भी इवन नंबर। अब आप मान लीजिए कि मेरा यहां पर इसकी वैल्यू गई 2, पुट कर रही हूं मैं यहां पर, इसकी वैल्यू मेरी गई 2, तो 2 प्लस माइनस का 2 जो हमने पहले वैल्यूज ली थी ना, मैं वही कंसिडर कर रही हूं अभी सिर्फ, इज ग्रेटर देन z। z की वैल्यू मैंने यहां पर क्या ली थी, अभी मैंने z की वैल्यू क्या ली थी, मैंने z की वैल्यू ली थी यहां पर 4 मैंने कंसिडर किया z की वैल्यू, तो 4, तो ये मेरा हो जाएगा 6 ग्रेटर देन 4 विच इज ट्रू। लेकिन अब ये मेरे हाथ में है कि मैं वैल्यू क्या ले रही हूं, तो ये वैल्यू मेरी इस केस में, जब मेरी प्रपोजिशन फंक्शन तो ये हो गया, जब मेरे पास गिवन वैल्यूज ये होंगी तो मेरा ये ट्रू हो जाएगा। इफ इन केस मैंने यहां पर जेड की वैल्यू 0 ले ली, सॉरी मैंने जेड की वैल्यू ले ली 6 था, तो मेरा 8 आ गया, 8 भी एक इवन नंबर है क्योंकि जेड की वैल्यू कोई भी इवन नंबर होती है, मैंने यहां पर 8 ले लिया, तब मेरा उस केस में क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा कंडीशन। तब तो उस केस में 8 जो है ग्रेटर देन है ना 6 से, तो मेरा इस केस में क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो मेरे पास ये एक ऐसी क्वेश्चन हो जाएगी जिसमें ट्रू और फॉल्स दोनों मिल सकते हैं। हमें ट्रूथ वैल्यूज कह रहे हैं, तो आप यहां पर दिखा सकते हैं कि पुट किया हमने जब 2 x के लिए, y के लिए और z के लिए ये, तो मेरा ये ट्रू हो जाएगा एंड जब मैंने ये किया तो मेरा ये फॉल्स हो जाएगा। अदरवाइज आप इस तरीके से स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं जो हमेशा ट्रू या फॉल्स किसी में से एक आपको एक ट्रूथ वैल्यू देगी, जैसे कि इसने दिया, ये हमेशा एक ट्रू स्टेटमेंट होगी, ये भी हमेशा एक ट्रू स्टेटमेंट होगी। ऐसे ही आप और भी स्टेटमेंट्स बना सकते हैं। अपने सारे एग्जांपल्स आप प्लीज कवर कीजिए एंड हमें इन सब चीजों के लिए अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो प्लीज हमें जरूर पूछिए। थैंक यू।